नमस्कार, मैं कृति गिरी और आप देख रहे हैं AHN न्यूज। CBSE में टॉप करने वाली प्रांजलि पत्रकारिता में हासिल करना चाहती है एक मुकाम। CBSE बोर्ड की इंटरमीडिएट में पूरे अयोध्या जिले में नंबर वन की पोजीशन लाने वाली प्रांजलि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी किस्मत आजमाते हुए एक अलग मुकाम हासिल करना चाहती है। टॉपर प्रांजलि पांडे शहर के JBA की छात्रा है और मनोविज्ञान में सिर्फ एक नंबर कम हासिल करते हुए बाकी सभी सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर हासिल कर पूरे जिले के साथ साथ अपने विद्यालय और माता पिता के मान को बढ़ाया है। 99.8% अंक हासिल करने वाली प्रांजलि पांडे शहर के फतेहा जिले में रहने वाले व्यवसायी संजीव पांडे की बेटी हैं और इनकी माँ JBA में ही जॉब करती हैं। जिले में टॉप करने वाली प्रांजलि के माता पिता ने कहा कि यह पल उनके लिए ऐतिहासिक पल है और उन्हें पूरा यकीन है उनकी लाडली अपने सपनों को जरूर साकार करेगी। वहीं शहर के अन्य CBSE स्कूल के बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जानकारी के मुताबिक इंटरमीडिएट CBSE अयोध्या जनपद के टॉपर सबसे पहले प्रांजलि पांडे JBA अकेडमी 99.8%, इसके बाद अनन्या 95%, पूर्णिमा यादव 93.4%, केटी पब्लिक स्कूल आकांक्षा 88.8%, गुरु नानक इंटर कॉलेज रश्मि शुक्ला DRS स्कूल 87.8%, मनु गुप्ता 85.6%, गुरु नानक इंटर कॉलेज शामिल है। कुल मिलाकर आए रिजल्ट के बाद इन बच्चों के घरों में खुशियां मनाई जा रही हैं और लोग बच्चों के सहित सहित परिजनों को भी मुबारकबाद दे रहे हैं। अयोध्या से नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। मैं प्रांजलि हूँ और मैं JBA अकेडमी से क्लास 12 में पढ़ती थी। मेरा CBSE रिजल्ट में 99.8 आया है। ह्यूमैनिटीज साइड से मुझे 499 मिले हैं 500 में से। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मैं पूरा का पूरा अपने फैमिली और अपने स्कूल को देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत मदद की मेरी, हर चीज़ में मोटिवेट किया, हर चीज़ में साथ दिया, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं की। मुझे जो भी चाहिए था पढ़ाई से रिलेटेड सब मुझे मिला, तो इसलिए पूरा श्रेय उन लोग को ही जाता है। आगे क्या करना है? आगे मुझे जर्नलिज्म करना है मास कम्युनिकेशन के साथ दिल्ली से। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इतना गर्व का समय है कि सबको बस शब्द नहीं है कि बयां कर सके, इतना अच्छा महसूस हो रहा है। और शायद कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद थी हम लोगों को, क्योंकि बिटिया ने जिस तरीके से अब नियमित पढ़ाई की थी और करती है, इसका हम लोग को मतलब परिणाम पता था, लेकिन इस तरीके से निकलेगा ये इसकी आशंका नहीं थी, इसलिए दिल गर्व।